हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 के सेकेंड चरण एग्जाम शेड्यूल के बारे में। किस तरह आप अपना परीक्षा शहर, दिनांक और शिफ्ट चेक कर पाएंगे। डिटेल्स की लिंक और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे। आरआरबी की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1, सेकेंड फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी 16/1/2021 से 30/1/2021 तक चलेगा, जिसमें 27 लाख कैंडिडेट शामिल होंगे। साथ ही इसमें आप डाउनलोड ऑफ ई कॉल लेटर 4 दिन पहले एग्जाम डेट से कर पाएंगे। यह लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा। साथ ही यहां पे आप आरआरबी की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे, यहां भी आप उपलब्ध है। कृपया अपने ई कॉल और शहर सूचना पर्ची देखने के लिए आपको यहाँ जो है लॉगिन करना है। यहाँ पे पंजीकरण संख्या, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड होता है उसको यहाँ पे DDMAYY फॉर्मेट में एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको शहर की सूचना पर्ची, परीक्षा का विवरण जिसमें आपका पंजीकरण संख्या, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको परीक्षा शहर, परीक्षा राज्य, परीक्षा की तारीख और कौन से शिफ्ट में है उसकी जानकारी, परीक्षा की अवधि, उपस्थित होने का समय, गेट बंद होने का समय, परीक्षा आरंभ होने का समय, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिनका परीक्षा की तारीख 21 जनवरी 2021 को है, तो इनका कॉल लेटर जो है 17 तारीख को प्राप्त होगा। 17 तारीख को ही ये अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा तारीख से 4 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड पोर्टल पे उपलब्ध होता है और आप डाउनलोड कर पाते हैं। नीचे अनुदेश में दिया गया है, यह सूचना आपको ई कॉल लेटर नहीं है, यह केवल आपकी परीक्षा शहर एवं दिनांक की जानकारी और यात्रा व्यवस्था के लिए है। साथ ही यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख सकते हैं कि आप अपनी परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप इस लिंक के माध्यम से ही अपना एडमिट कार्ड और ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। ई कॉल लेटर जब आपके एग्जाम डेट से 4 दिन पहले जो है यहाँ पे परीक्षा शहर जो पर्ची दिया हुआ है, यहीं पे जो है आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहीं से आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अभी जो है डाउनलोड, इनका एग्जाम बहुत लंबा है इसलिए अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। शो करता तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता, तो आप लोग यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग अपने मोबाइल के से भी देख पाएंगे। आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड के टॉप में 3 डॉट बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत उसका सेटिंग शो करेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपका पेज जो है अच्छी तरह से ओपन होगा। जो अभ्यर्थी को लॉगिन करने के समय ऐसा मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, उनका अभी सीबीटी 1 में भी एग्जाम नहीं होने वाला है। वे आने वाले सीबीटी फेस 3 में इंतजार करें। यहाँ पे जो है आपका इस फेस में एग्जाम नहीं है, अगले फेस का इंतजार करें। तब तक आप लोग अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। आने वाले फेस में यदि आपका परीक्षा होने वाला होगा, तो जिस तरह मैंने इससे पहले जानकारी दिया है, उसी माध्यम से आप लोग अपना परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।
जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजमेंट जानकारी दी जाती है वह आपको रेगुलरली मिलती रहे। जो भी जानकारी यहां आपको दिया गया है वह सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।